नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ गई है निकल के DSSSB की तरफ से। PGT और TGT टीचर से जुड़े हुए नए नोटिस आज की डेट में जारी किए गए हैं। बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और सभी नोटिस देख लेते हैं एक एक करके बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है TGT हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। हाँ जी दोस्तों, इनका आज रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। टोटल 551 वैकेंसियां आई थी, EWS की 26, अनरिजर्व की 310, OBC की 91, SC की 39, ST की 25, PWD की 22 वैकेंसियां भी इसमें शामिल थी। सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। तो कैंडिडेट्स मार्क्स वगैरह पहले ही चेक कर चुके हैं, उसके बाद उन कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जो भी शॉर्टलिस्टेड थे। बाकी अब इनका फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से ये 310 कैंडिडेट है जिनका यहाँ सिलेक्शन किया गया है। ये देखिए दोस्तों, OBC कैटेगरी से इन 91 कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन किया गया है, SC कैटेगरी से 39 कैंडिडेट का, ST कैटेगरी से 85 कैंडिडेट की लिस्ट ये रही, ये EWS से 26 कैंडिडेट की लिस्ट है, ये PWD PHOH कैटेगरी से 11 और PHVH कैटेगरी से 11 कैंडिडेट की लिस्ट है। और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है कुछ इस प्रकार से, अनरिजर्व की 129.04, EWS 119.72, OBC D 121.81, SC 120.72, ST 106.56, PHOH 112.26 और PHVH की 100.65। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, अनरिजर्व से 63 कैंडिडेट वेटिंग पैनल में है। आप देख सकते हैं OBC से 19, SC से 8, EWS से 6, ST से 17, PWDOH कैटेगरी से 3 और VH कैटेगरी से भी 3। वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व 127.88, EWS 117.74, OBC 120.63, SC 120.03, ST 104.2, PHOH 109.96 और PHVH की 92.62। इसके बाद अगला नोटिस रिजेक्शन नोटिस है, नंबर है 164, जुड़ा हुआ है TGT हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 से। हाँ जी दोस्तों, 41 टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है। रीजन क्या है, ई डोजियर नॉट अपलोडेड, इन कैंडिडेट्स ने अपना डोजियर ही अपलोड नहीं किया था, मतलब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। इसके बाद अगला नोटिस आ रहा है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी से जुड़ा हुआ। हाँ जी दोस्तों, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड 47/21 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। ये नोटिस एक जारी किया गया था 12 अगस्त 2022, इस नोटिस पे डेट डली हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कट ऑफ रही है EWS की 143.44, अनरिजर्व 157.19, OBC 150.06, SC 145.48, ST 127.69 और PWS 64.06। टोटल 35,411 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, इन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट DSSSB online.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। बाकी जो आज नोटिस जारी किया गया है उसमें कुछ जरा सा बदलाव है PHOB और PHSC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इन्हें जो अपना ईडोजियर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 13/8/2022 से 27/8/2022 तक, आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू अपलोड देयर स्पेसिफिक फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल स्पेसिफिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ आपको डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर अपलोड करना होगा। आप OH से हैं, VH से हैं, HS कैटेगरी से हैं इन द ईडोजियर एज दे हैव नॉट मेंशनड देयर स्पेसिफिक कैटेगरी इन OARS। तो इन्होंने OARS में अपनी स्पेसिफिक जो कैटेगरी है वो मेंशन नहीं की थी, तो वो आप मेंशन कीजिएगा, उससे जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट जरूर से जरूर अपलोड कर दीजिएगा। और जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो 104.09 है, 64.06 नहीं है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये जरा सा इसमें बदलाव किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।